स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का मेरे चैनल इजी प्लास्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं रेसिडेंस टाइम की। रेसिडेंस टाइम जो कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में प्रोसेस के टाइम होता है जब हम लोग कोई प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि प्रोडक्शन लाइन में प्लास्टिक मटेरियल जब हॉपर से होते हुए जाता है बैरल में और बैरल से फिर जब मोल्ड में जाता है, तो जो टाइम लगता है मटेरियल को, प्लास्टिक मटेरियल को बैरल में रहने के टाइम, यानी कि एक शॉट जब कंप्लीट हो जाता है तो उस शॉट के बनने के दौरान बाकी कुछ मटेरियल जो हॉपर से बैरल में आ रहा होता है, तो अगले शॉट में जो मटेरियल आने वाला है वो कितनी देर तक बैरल के अंदर रेसिडेंस में रहेगा, यानी कि बैरल के अंदर रहता है, तो वो मायने बहुत रखता है ये टाइम। क्यों मायने रखता है? क्योंकि मटेरियल अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा, ज़्यादा टेम्परेचर मिल जाएगा, तो हो सकता है कि मटेरियल बर्न हो जाए। तो कुछ सेंसिटिव प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जो कि ज़्यादा रेसिडेंस टाइम होने पर बर्न मार्क की प्रॉब्लम शो करते हैं, और कई बार तो बर्न मार्क नहीं भी आता है तो सिल्वर मार्क तो आता ही आता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें प्लास्टिक मटेरियल्स को अच्छे से समझना होगा, जानना होगा कि उनका प्रोसेसिंग टेम्परेचर कितना है और कितना उनका मेल्टिंग टेम्परेचर है, कितना उनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है, जिससे कि हम ये डिसाइड कर सकें कि उस मटेरियल को, प्लास्टिक मटेरियल को कितनी देर के लिए बैरल में रखना है, यानी कि उसका रेसिडेंस टाइम कितना रखना है। इसके लिए आपको करना ये होगा कि अगर नाइलॉन जैसे मटेरियल हैं तो उनमें रेसिडेंस टाइम कम होता है, पीवीसी में भी कम होता है, तो प्रोसेस जो होता है वो कम कूलिंग टाइम में चलता है ताकि मटेरियल ज़्यादा देर बैरल में रहे भी ना, और कूलिंग टाइम भी बिल्कुल सही दिया जाए ताकि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट फॉर्म हो। तो इस चीज़ को गौर करने के लिए आपको प्रोसेस इस तरह से सेट करना चाहिए कि रेसिडेंस टाइम ज़्यादा ना हो ऐसे मटेरियल के लिए जो कि हीट सेंसिटिव रहते हैं। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट जो मटेरियल है वो मैंने फ़िलहाल चलाया है और मैंने देखा है कि उसमें आप रेसिडेंस टाइम को ज़्यादा रखने से बचने के लिए आप होल्ड ऑन टाइम कर देते हैं, यानी कि रिफिलिंग जो होती है वो हो नहीं पाती है पहले, जब तक कुछ टाइम होल्ड कर देते हैं उसके बाद ही रिफिलिंग होती है, तो इससे क्या होता है रेसिडेंस टाइम कम हो जाता है। तो रेसिडेंस टाइम को आपकी जानकारी कैसे लगी?